और टीवी में काम कर चुके अभिनेता कुशल पंजाबी के फैंस के लिए बुरी खबर है। अभिनेता कुशल पंजाबी ने बृहस्पतिवार देर रात बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह 37 वर्ष के थे। कुशल ने काल और लक्ष्य जैसी फिल्मों और रियलिटी शो फियर फैक्टर में काम किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि देर रात करीब 2 बजे कुशल के माता पिता को उनका शव फांसी के फंदे से लटका मिला। कुशल ने सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें लिखा है कि उनकी मौत का जिम्मेदार किसी को भी नहीं ठहराया जाए। उन्होंने बताया कि कुशल के फोन नहीं उठाने पर उनके माता पिता सेंट एड्रेस रोड स्थित एलस्टिक बिल्डिंग में उनके घर पहुंचे। अभिनेता कुशल पंजाबी की मौत ने पूरी टीवी इंडस्ट्री सकते में है। पुलिस के मुताबिक कुशल के घर से सुसाइड नोट मिल गया है। स्पोर्ट बॉय से बातचीत में डीसीपी परमजीत सिंह दहिया ने कहा कि हाँ, ये आत्महत्या का केस है। कुशल पंजाबी के माता पिता कल दोपहर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा था। परिवार ने रात तक इंतजार किया, जब कुशल पंजाबी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो लोग रात 10:30 बजे उनकी बिल्डिंग में पहुंच गए, दरवाजा तोड़ दिया और अंदर गए। अंदर जाकर देखा तो कुशल का शव पंखे से लटका हुआ था। फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सुसाइड का केस दर्ज कर लिया गया है। सुसाइड नोट में कुशल ने अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं बताया है। अधिकारी ने बताया कि अभिनेता ने डेड बनने का सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें लिखा है कि उनकी संपत्ति उनके माता पिता बेटी और बहनों के बीच बांट दी जाए। कुशल ने नवंबर 2015 में अपनी यूरोपियन गर्लफ्रेंड आड्रे डोले से शादी की थी। दोनों का एक बेटा है। कुशल की पत्नी अपने बेटे के साथ शंघाई में रहती है। कुशल के करीबी दोस्त चेतन हंसराज ने टीओआई से बातचीत में कहा कि वह कुशल की मौत से सदमे में है। चेतन हंसराज ने कहा कि कुशल का उनकी पत्नी से अलगाव हो रहा था और वह बीमार से जूझ भी रहे थे। हमें यकीन नहीं हो रहा कि वह अब हमारे बीच नहीं रहे। मैंने उनसे 2 दिन पहले ही बात की थी। कुशल ने मुझसे कहा था कि वह परेशान है। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह चीजें जिंदगी में होती हैं, उन्हें इस चीजों से लड़ना पड़ेगा। पर मैंने यह कल्पना नहीं की थी कि कुशल ऐसा कदम उठा लेंगे। कुशल पंजाबी और चेतन हंसराज 20 साल से एक दूसरे को जानते थे। चेतन हंसराज के मुताबिक वह कुशल को हमेशा एक फाइटर के रूप में याद रखेंगे। वह बेसकारात्मक और फन लविंग इंसान थे। उनके चेहरे पर हमेशा हंसी और मुस्कान होती थी। वह अपने आसपास मौजूद लोगों को फिट रहने के लिए प्रेरित करते थे। वह मेरे भाई जैसे थे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।